गाइज व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज। दोस्तों मिस्टर एंड मिसेज राज वाले चैनल पर आप सभी का खूब सारा स्वागत है। एंड अभी शाम का टाइम हो गया, आज मीटिंग था तो पापा जी पूजा दी सब कोई गया हुआ है, आप लोगों को सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन अब चलती हूँ मम्मी के पास और अभी मम्मी को इंजेक्शन भी पड़ा हुआ है और बहुत सारा खाना आज अभी आया हुआ है क्योंकि जो पार्टी था उसमें बहुत सारा खाना एकदम मस्त खाना बना हुआ है तभी आया हुआ है। तो अभी चलिए मम्मी के पास चलते हैं और उनसे बातें करते हैं क्योंकि मम्मी को भी इंजेक्शन लाया तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो अभी आ गई हैं यहाँ पूजा दी। पूजा दी तो यहीं पे थी लेकिन आज पूजा दी का मैंने शादी के बाद आज फिर से मीटिंग में गई थी ना, और आज शिक्षक सम्मान समारोह था तो उसमें गए थे, पापा को हेल्प करना था बिकॉज हर टाइम भैया एंकरिंग करता था और शादी के पहले एक बार मैंने किया था तो पापा ने बोला कि चलो अगर तुम करोगे तो मैं बोली हाँ मैं करूँगी। तो और वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे इवेंट्स, मतलब थोड़ा प्रोफेशनल वाले, तो मैं बोली हाँ मैं करूँगी और पापा वैसे ही थोड़े कॉन्फिडेंस में थे कि ये हैंडल कर लेगी। तो फिर मैं गई, पापा को थोड़ा बहुत हेल्प किया एंड पापा ही बहुत ज़्यादा मैनेज कर रहे थे। एंड अभी मैं भाभी का हेल्प कर रही थी, कैसे भाभी प्रमोशन का वीडियो शूट कर रही थी, मैं उसमें रेडी करा रही थी ताकि इनको डांट थोड़ा कम पड़े कि कैसा वीडियो शूट कर दिया है। तो थोड़ा इसको रेडी कर रही थी, बाल वाल झाड़ के, इयर रिंग्स पहना के, अभी दूसरा ड्रेस मिल गया। तो इन लोग के आपको नेक्स्ट कभी शायद इससे पहले या इससे बाद आपको वीडियोज में दिख जाएंगे कि कौन से लहंगा की बात कर रही हूँ मैं, और आप लोग भी लहंगा का खूब सारा वीडियो देखिए। और अभी तो छठ पूजा वगैरह भी आ रहा है, दिवाली कुछ शॉपिंग नहीं हुआ है, कल मैं जाऊंगी शायद अपने ससुराल तो अभी कुछ शॉपिंग वगैरह नहीं हुआ है, वहीं पे आएगा हम लोगों का जो भी कपड़ा होता है, मतलब हम लोग घर पे आता है देखने के लिए, चीज करने के लिए, पसंद कराने के लिए आता है, और शायद आया तो आया अदरवाइज तो मतलब अभी बहुत ज्यादा इधर उधर नए नए कपड़े हैं तो हम लोग उसे ही मैनेज कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता है, मेरी सासू मानी है तो मेरे पापा जी और मतलब मेरे जो जेठ जी हैं वो बोलते हैं कि कपड़े ले लो तुम लोग, तो दोनों भाभी और मैं पसंद करते हैं, घर पे ही आता है फिर लेते हैं। आप लोग बने रहना ब्लॉग में। और यहाँ लड्डू को भी रेडी को थे, लड्डू तो पहन ही नहीं रहे थे कपड़ा, लेकिन लड्डू एकदम मस्त लग रहा है, ब्लैक कलर का लड्डू। लड्डू हेलो बोलिए लड्डू, अभी लड्डू गेम देख रहे हैं, अपना पोएम देख रहे हैं ना, और अभी लहंगा पहनी हुई थी। सब चल रहे हैं मम्मी के पास, पहले दिखाते हैं किचन में खाना क्या क्या आए हुए, एकदम मस्त मस्त खाना। तो आ गए किचन में और अब दिखाते हैं खाना क्या क्या आया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो भिंडी का सब्जी घर पे बना हुआ था, ये मस्त चावल है, जीरा राइस, और यहाँ पे एकदम सब्जी है आलू गोभी का, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बना हुआ है। हम लोग मम्मी के पास और यहाँ पूजा दीदी दिखा रही है, दूध दादी वगैरह है, आप लोग देख रहे हैं नकली है। लेकिन गाइस नकली से भी ज़्यादा यूज यही आता है, असली से भी ज़्यादा यूज यही आता है बिकॉज वो सारे ड्रेस के साथ जाता है और प्लस अच्छा लगता है, सुंदर सुंदर। इसको हम लाइक है नहीं करते हैं, पहले नहीं करती थी लेकिन ये अच्छा लगता है। एंड गाइस आप लोग सोचो, मैं जिस दिन आई थी मैं सुबह में 3:30 के करीब आई थी, तो गोल्ड ज्वेलरी कुछ भी नहीं कैरी कर सकते, इनफैक्ट मतलब मैंने पहना था क्योंकि सेफ्टी नहीं होता, बाइक में आई थी तो ये सब ज्वेलरी ऐसा है कि आप कभी भी कैरी कर सकते हैं और उसी बीच करवा चौथ पड़ गया। ये तो बाद में मंगाई थी लेकिन उसे सेफ है रास्ते में आने जाने के लिए, तो अच्छा। मम्मी का पीछे पापा का आवाज आ रहा होगा, वो हर टाइम आता है, पापा इतना बिजी रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं, सबसे ज्यादा काम इस घर में पापा ही करते हैं। अभी भी हम लोग अभी अपना काम बोलेंगे ना कि पापा सेव ला दीजिए, चाहे कुछ दर्द हो रहा है तो पटाख से हम लोग का लेके जाएंगे, बट अपना तुम लोग का ना पापा से सीखना चाहिए सबको, सचिन प्रिंस तुमको इसको सब लोग पापा से सीख, हम तो पापा से सीख गए हैं इसलिए हम सब मेहनत कर लेते हैं। अरे तो हम लोग अरे क्या अभी नहीं कर रहे हैं सब जितना करना चाहिए तुम लोग को, नया नया खून है एकदम, जुनून रखना चाहिए शरीर में काम करने के लिए। तो गाइस अभी ना जो नया नया खून है, नया नया यूथ जनरेशन है ना, वो सब टेक्नोलॉजी पे ज्यादा बेस्ड हो चुका है, वॉशिंग मशीन मिक्सी ये सब चीज़, बट आजकल के कंपटीशन में रहना तो वो भी जरूरी है ना, तो बोलेगा गला बड़ी का है कौन जमाना में जरूरी है, लेकिन फिर भी शरीर से कुछ नया हाँ वो करना चाहिए, लेकिन अब
टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना चाहिए, मतलब कि बढ़ते जनरेशन के साथ भी चलना चाहिए। बट हाँ, जो भी करो, मैं क्या देखी थी, अगर आगे बढ़ना है कुत्ता का नींद सुतो, कम खाओ। हे गाइस, तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और बात कर रहे थे ऐसे ही कुछ कुछ, तो आप लोग देख रहे हैं। मम्मी भी, मम्मी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था क्योंकि मम्मी को इंजेक्शन लगा हुआ था, और पापा जी भी बात कर रहे थे, इसलिए मुझे मतलब हम लोग इतना ज़्यादा बात करने में बिजी हो गए थे कि पता ही नहीं चला, तो फिर इसलिए यहाँ वाला पार्ट मुझे म्यूट करना पड़ा। बाकी अभी पूजा दी रेडी कर रही थी, जो हमारे घर में आई थी चाची जी की बेटी, उनको रेडी कर रही थी एकदम मस्त, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और लहंगा वहंगा पहन के सब कुछ, जो ज्वेलरी था ये पूजा दी एकदम मस्त अच्छे से पहना के रेडी कर रही थी। आप लोग बने रहो ब्लॉग में और खूब सारा इंजॉय करो, फिर थोड़ी देर बाद आप लोग देख रहे हैं ये नीचे कान में तो पहना था, यहाँ पे अभी ये कौन है यहाँ हमारे घर, ये सभी नहीं दिखेगा, फेस दिखेगा, फेस दिखेगा तब तो दिखेंगे ना। मम्मी बैठी है, यहाँ रील बना रहे हैं एकदम मस्त इधर बैकग्राउंड। गाइस, अभी आ गए हम मम्मी के पास, फिर काफी टाइम तक काफी ज्यादा मस्ती की है, बहुत सारा रील बना है मम्मी के साथ, वो मम्मी की आईडी पे आप लोग देख सकते हैं, एंड पूजा की आईडी पे बहुत ज्यादा मजा आया, खूब सारा एंजॉय किया। आज थोड़ा अच्छा लगा मुझे, काफी अच्छा लगा क्योंकि सब लोग एक साथ, मम्मी भी थोड़ा सा अच्छी लग रही थी, मतलब कि वो अब थोड़ा बैठी थी ना तो एंजॉय करते हुए अच्छा लग रहा था, नहीं तो मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी सिर्फ नींद आ रहा है मम्मी को, तो वो लेटे रहती है ना तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा, लेकिन अभी मम्मी भी थी, सब साथ में रील बनाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे लड्डू भी है, लड्डू लड्डू हेलो, लड्डू भी नहीं बोलेंगे। हे गाइस, तो हो गया रात का टाइम एंड सब लोग डिनर कर लिया है, मैं भी डिनर कर ली हूँ, अब सोने चलते हैं। तो अभी तो मिस्टर आज नहीं है, तो पूजा दी है, तो मैं उनके साथ ही सोती हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, हम लोग फ़ोन वगैरह चलाते हैं, लड्डू भी सोते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी आज लंच में हम लोग राइस खाए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि किसी ने पानी लेने के लिए, बाकी मिस्टर राज से बात हुई तो वो। हे गाइस, तो अभी यहाँ पे मैं बता रही थी कि मिस्टर राज जो है वो पटाया से बैंकॉक जा रहे थे, मैं बार बार भूल जा रही हूँ कि वो पटाया से बैंकॉक जा रहे थे, तो वो कॉल किए थे मुझे, दिखा भी रहे थे, क्योंकि मनीषा दीदी नहीं है, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि मनीषा दीदी अच्छा नहीं लग रहा है आपका बोला क्योंकि भैया नहीं है, तो मैं तभी यहाँ हूँ तो सारी फैमिली को दिखा पा रही हूँ, लेकिन वो तो भी वहाँ गए हैं, तो आप लोग वहाँ का भी वीडियो देखो, क्योंकि वहाँ का वीडियो जो होता है उससे कुछ नॉलेज मिलेगा, मतलब नॉलेज कैसे वो लोग घूम के एक्सप्लोर कर रहे हैं हर एक चीज़। तो अभी वो लोग फुकेट भी घूमेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखना, और मुझे भी अच्छा लगता है, मतलब ऐसे तो अपना ब्लॉग नहीं देखती हूँ, लेकिन जब मिस्टर राज कहीं जाते हैं घूमने तब मैं ज़्यादा ब्लॉग देखती हूँ, मतलब मैं छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ देखती हूँ यार यहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसे क्या खाए क्या पिए, खाना किस टाइप का होता है, क्योंकि हर जगह का खाना पीना अलग अलग होता है। पहली बार जब मिस्टर राज गए थे थाईलैंड तो उनको खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो इसलिए पहली बार उतना आइडिया नहीं था, लेकिन इस बार उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले जा चुके थे और पहले उनको प्रॉब्लम हो चुका था, इसलिए अब मस्त एकदम गए और एकदम अच्छे अच्छा खाना मिल रहा था, तो वो खा रहे थे, कह रहे थे कि अब तो मैं एकदम आराम से आ जाऊँगा, मतलब उनको लग रहा है थाईलैंड दो बार चले गए, तो उनको लग रहा है कि हाँ यहाँ तो पूरा घूम लिए। तो ब्रांड रहते हैं इस ब्लॉग में यहीं तक, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, मैं अभी इतना ज़्यादा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग सोएंगे ना तो फिर आवाज़ आएगी, इतनी रात को ब्लॉगिंग मैं कर रही हूँ। तो हमारा इंस्टाग्राम आई डी है राजमनी सचिन, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा गाइस, प्लीज़ फॉलो कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।